नमस्कार, पुस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अवस्थी, वरुण अवस्थी। तो पाकिस्तान से फिर एक बार हंसाने वाली खबर आई है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने ब्रिटेन से कहा है कि कोहिनूर हमें वापस कर दीजिए, कोहिनूर हमारा है। अब कोई फवाद चौधरी से ये बात पूछे कि कोहिनूर उनका कैसे है? किसी समय पर पाकिस्तान भारत का ही एक हिस्सा था। अब पाकिस्तान कोई चांद से तो आया नहीं है मुल्क, वो था तो हिस्सा भारत का ही। तो चाहे कोहिनूर लाहौर से मिला हो या दिल्ली से, उस समय सब भारत था। तो कोहिनूर पे अगर किसी का सबसे पहला हक है तो वो भारत का है। और दूसरी बात यह है कि कोहिनूर एक हीरा है। शायद पाकिस्तान को ये बात पता नहीं है कि कोहिनूर एक हीरा है, वो आपको नहीं मिल सकता। अगर वो किसी को मिलेगा तो वो भारत को मिलेगा। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कोहिनूर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आखिर क्यों इतना बवाल है कोहिनूर को लेकर, पहले जान लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे ने कहा कि जलियांवाला बाग कांड काफी शर्मनाक था और ब्रिटेन इस पे अपोलोजाइज करता है, इसकी निंदा भी करता है और अपोलोजाइज भी करता है। फवाद चौधरी को इस बात से पता नहीं क्या झटका लगा या एकदम से उत्साह भर गया उनके अंदर कि अब ब्रिटेन से सब चीजें मांग लो। क्या क्या मांग लो ये वो ही जाने, पर शुरुआत उन्होंने कोहिनूर से करी। तो कोहिनूर का मतलब होता है माउंटेन ऑफ लाइट। बेसिकली ये एक फाइनेस्ट डायमंड है वर्ल्ड का, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट। 21.6 ग्राम का ये डायमंड है जिसको कट किया गया है। काफी शुरू में ये काफी बड़ा डायमंड हुआ करता था, पर तराशा गया इसे बार बार ताकि इसकी क्वालिटी उभर के आ सके। फिलहाल जो है ये अगर कैरेट में लें तो 105.6 कैरेट का ये डायमंड रह गया है। ऐसा कहा जाया करता है कि सन 1300 में ये डायमंड या तो गोलकंडा माइन से या कोलूर माइन से निकाला गया होगा। ये डायमंड शुरुआत में 793 कैरेट का था, यानी काफी बड़ा था। पर जैसे कि आपको पता है कि डायमंड को तराशते हैं ताकि उसकी शाइन और क्वालिटी उभर के आ जाए। उसके बाद ये 186 कैरेट का रह गया जब तक ये इंडिया में था। उसके बाद प्रिंस एल्बर्ट ने इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इसे और छोटा कर दिया। अब ये 105.6 कैरेट का डायमंड रह गया है। वैसे तो कोहिनूर के बारे में काफी सारी कहावतें मशहूर हैं, सबकी अपनी अलग अलग एक कहानी है। पर जो एक कहानी निकल के आई है वो खासम खास है। वो ये है कि शाह दुर्रानी ने, शाह शुजा दुर्रानी जो अफगानिस्तान के सुल्तान हुआ करते थे, उन्होंने रणजीत सिंह को, रणजीत सिंह है फाउंडर ऑफ सिख किंगडम, उन्होंने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था इस शर्त पे कि वो उनको उनकी गद्दी दोबारा हासिल करने में मदद करेंगे। तो दुर्रानी ने रणजीत सिंह को यह हीरा दिया था, ऐसा मानना है। एक कहानी है, मान्यता है, या सच भी हो सकता है, हम इस बारे में 100% श्योर नहीं है। पर सबसे क्लोज जो लिंक है इस कहानी का वो यही है। उसके बाद ये डायमंड यानी कोहिनूर ब्रिटिश गवर्नमेंट को गिफ्ट कर दिया गया था। इसी वजह से कोहिनूर की जो रियल वैल्यू है वो आज तक पता नहीं चली है। ये कोहिनूर कभी बिका ही नहीं है। कोहिनूर या तो गिफ्ट किया गया है, या बार्टर किया गया है, या फिर लूटा गया है। इसी वजह से कोहिनूर की क्या असली कीमत होगी इसका अंदाजा नहीं है। हालांकि कुछ सालों पहले ग्रेफ पिंक के नाम से एक हीरा बेचा गया था जिसका वजन ऑलमोस्ट कोहिनूर के बराबर का था। उस हीरे की कीमत तकरीबन 4 से 5 अरब आंकी गई थी। उस टाइम पे वो हीरा इतने का बिका था। इससे पहले कि हम कोहिनूर की असली कीमत आपको बताएं, जो एक प्रेडिक्टेड कीमत है ऑफकोर्स, उससे पहले ये जान लेते हैं जब क्वीन अपने थ्रोन पे बैठती हैं तो उनके जो क्राउन जेल्स हैं उसकी कीमत क्या बैठती है। उसकी कीमत तकरीबन 10 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास बैठती है। इसमें कोहिनूर एक ज्वेल है, तो मान लेते हैं कि कोहिनूर एक ज्वेल है और सबसे एक्सपेंसिव ज्वेल है, तो कोहिनूर की कीमत है तकरीबन 1 बिलियन यूएस डॉलर, यानी कि तकरीबन 70 अरब हिंदुस्तानी रुपए। इतना महंगा है ये कोहिनूर, इसी वजह से फवाद चौधरी इसे हासिल करना चाहते हैं। आगे थोड़ी गरीबी तो पाकिस्तान की दूर होगी कोहिनूर से। इसी वजह से पाकिस्तान कोहिनूर के पीछे पड़ा है कि कोहिनूर हमें वापस कर दो। पर ऐसा होने तो वाला है नहीं, क्योंकि भारत ऐसा कभी होने ही नहीं देगा। तो ये थे कोहिनूर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हमने आपके साथ शेयर किए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या आपको बिस्तर के वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ जब भी अपलोड होंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ वरुण अवस्थी, धन्यवाद।